नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही नगर निगम में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था एवं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। नगर निगम महापौर कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, साथ ही पार्षदों द्वारा मिल रही शिकायतों का त्वरित निराकरण कराया जाए। बेपटरी हो चुकी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। कैसे बीट प्लान बनेगा, कैसे नाला गैंग काम करेगी, कैसे स्वच्छता सफाई व्यवस्था हमारी बेहतर होगी, खुले प्लॉट जितने भी लोगों के हैं उन पे क्या कार्रवाई होना है, डोर टू डोर कैसे और बेहतर होगा, कैसे नए रिक्शे हम लोग और चलाएंगे, कैसे नई मशीनें और चलाएंगे, जो हम लोग 200 और 110 मशीनें चलाते हैं उनके साथ हाईवा डंपर भी चलाएंगे, ऐसे बहुत सारे मामलों को लेकर आज लगभग मैराथन बैठक 2 घंटे की चली और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, जिससे कि जबलपुर शहर में सफाई व्यवस्था हर तरीके से दुरुस्त हो और आने वाले समय में जल प्लावन से हमको मुक्ति मिले, उसको लेकर आज एक बड़ी मैराथन बैठक हुई। बैठक में सफाई ठेका समितियों एवं सफाई मजदूरों ठेका कंपनी द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों पर भी विचार विमर्श किया गया। नगर निगम में संपदा शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लीज नवीनीकरण एवं लीज नामांतरण के प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि जो किसी को भी उसमें निगम आयुक्त ने लीज नवीनीकरण एवं लीज नामांतरण और फ्री होल्ड की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। लीज के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन नगर निगम में हुआ। इस बैठक में निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लीज प्रकरणों के निराकरण के लिए संपदा शाखा के अधिकारी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लीज प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं। बैठक में निगमायुक्त ने हिदायत भी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 5 दिवसीय नाट्य समारोह का शुभारंभ शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में हुआ, जिसमें जोगिया राग नाटक का मंचन हुआ। शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आगाज हुआ, जिसका शुभारंभ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा किया गया। नाटक के पहले दिन जोगिया राग का मंचन किया गया। ये 5 कमरे की बकरी है, यहाँ रहोगे तो सामने रसोई घर, यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं, मदद के लिए लोग रहेंगे। अगर आप जोगी हैं तो मैं आपकी जोग क्या समझे जोगी महाराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण मोहन द्विवेदी ने बताया कि 5 दिनों में जोगिया राग खामोश अदालत जारी है। मजनू लाउंसमैन, स्वाहा और शायर शटर डाउन का मंचन किया जाएगा। पांच दिवसीय इस नाटक में मुंबई, दिल्ली, बिहार और भोपाल, लखनऊ की संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आज किस नाटक की? आज जोगिया राग, ये देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशक में अनुष्ठान मुंबई द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। अब लगातार ये 10 तारीख तक ये प्रस्तुतियां चलेंगी।
बारिश की वजह से पेड़ गिरने की घटना सामने आई है। तीसरे पुल के पास उम्रदराज पेड़ की एक बड़ी शाखा रोड पर आ गिरी, जिसके कारण न केवल यातायात बाधित रहा बल्कि एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तीसरे पुल के पास एक पेड़ की बड़ी शाखा जमीन पर आ गिरी। इस घटना में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना नगर निगम को दी गई, जिसके बाद उद्यान विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और पेड़ की शाखा को सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात भी सुचारू हो सका। वहीं गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। संजीवनी नगर निवासी अधिवक्ता के घर एक नकाबपोश युवक के द्वारा फायरिंग करने की कोशिश नाकाम रही। वकील के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अधिवक्ता रवि सिन्हा ने बताया कि बीती रात 1:30 बजे उनके घर के बाहर एक नकाबपोश युवक पहुंचा और उनको आवाज लगाकर घर के बाहर बुलाया, और जब वो बालकनी में पहुंचे तो युवक ने उन पर फायरिंग करने का प्रयास किया, लेकिन बंदूक नहीं चली और वो वहां से फरार हो गया। जब मैं बाहर निकला तो उन लोगों ने नीचे आ करके बोल के, मैंने उनसे जब बात करी क्या बात है क्यों आ नीचे, तो उन्होंने पिस्टल निकाल के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करी। वो तो जो भी कारण था, उनका दाना फंस गया या पिस्टल चल नहीं पाई, उस कारण से उसने 4 अटेम्प्ट किए। उस बीच में मैं नीचे झुक गया था, मैंने बाल्टी उठा के फेंक कर मारी, तो उन्होंने जाते जाते मुझे बोला कि तेरी किस्मत अच्छी तू बच गया, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये बोलते हुए वो यहाँ से चले गए। उसके बाद ये घटना मैंने नज़दीकी चौकी में दी, चौकी से लोग आए, पुलिस वालों ने रात में आके मदद करी, FIR रजिस्टर्ड हुई। तेवर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शनाख्त भेड़ाघाट निवासी 19 वर्षीय सौरभ तिवारी के रूप में की गई है। भेड़ाघाट चौराहे के पास रहने वाले 19 वर्षीय सौरभ तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तेवर गाँव के पास सौरभ को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घायल युवक को क्षेत्रवासियों ने उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचित किया और लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी इसे मर्ग इंटीमेशन लेकर के PM कराया जा रहा है, कथनों के आधार पर फिर देखा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन घटनास्थल पर जाके आपको फिर उसके जो जानकारी मिलेगी अवगत कराया जा सकता है। भेड़ाघाट पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बरगी के ग्राम पारा में एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पति की प्रताड़ना के चलते ही पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। बरगी पुलिस ने ग्राम पारा में रहने वाले संतोष बर्मन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार संतोष की पत्नी सपना ने 14 जुलाई 2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका के परिजनों के बयान के आधार पर पता चला कि ससुराल पक्ष के द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले की जब जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ और पुलिस ने संतोष बर्मन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके दौरान मायके वालों के कथन लिए गए तो उनने अपनी लड़की के साथ दामाद के द्वारा, संतोष बर्मन के द्वारा प्रताड़ना, दहेज लेकर मारपीट करना, ये सब सारी बातें लेकर कराई, जिस पर से ये पाया गया कि संतोष वर्मन के द्वारा आत्महत्या के लिए उसको उकसाया पाए जाने से धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। पति संतोष वर्मन को अरेस्ट कर लिया गया और आगे की विवेचना की जा रही है। बरगी थाना अंतर्गत निगरी नहर में एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 65 वर्षीय मृतक की शनाख्त नहीं हो सकी है। निगरी नहर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिला। ग्राम कोटवार की सूचना पर बरगी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शनाख्ती के प्रयास शुरू किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, लिहाजा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार निगरी ग्राम में बरगी नहर में मिले वृद्ध के शव की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी शनाख्ती के लिए सभी थानों में उसकी फोटो भेज दी गई है। लगभग 65 वर्ष उम्र का व्यक्ति दिखा, जिसकी मर्ग दर्ज कर ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगा तो जो भी डॉक्टर उसमें तथ्य बताएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर।
मिजोंग चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से जबलपुर में भी बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 24 घंटे में संभाग के कई स्थानों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ और मिजोंग चक्रवात का प्रभाव जबलपुर में भी नजर आया। कई स्थानों में बारिश हुई और बरसात के फुहारों के बीच आम जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून के बाद अभी तक 44.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। वहीं अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री ज्यादा 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी हवाओं की गति लगभग 4 किलोमीटर रही। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।